हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम गीता श्लोक स्मरणम में। आज हम चर्चा करने वाले हैं गीता के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक की, और कुल मिलाकर आज की हमारी ये 35वीं कक्षा है। पिछली कक्षाएं देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल गीता ऑनलाइन स्टडी पर जाकर प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं। गीता श्लोक मेमोराइजेशन के नाम से आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप वहाँ पिछली कक्षाएं देख सकते हैं। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरोः श्रीयुता पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्हें एक बार फिर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो कक्षा के आरंभ में हम वही अपना सत्र जो है उसको दोहराएंगे कि श्लोकों को स्मरण क्यों करें। इसके संबंध में हमने 10 बिंदु बनाए हैं और हम हर बार की कक्षा में आरंभ में इन्हें दोहराते हैं ताकि हमारी श्लोक स्मरण की प्रेरणा बनी रहे। तो निधि माता जी, क्या पढ़ना चाहेंगी? नंबर 1, यह मान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। नंबर 2, ये गागर में सागर के समान हैं, इनसे कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। नंबर 3, इनसे शास्त्र चक्षु शास्त्र दृष्टि का विकास होता है। नंबर 4, इनसे हमारा व्याख्यान प्रवचन प्रामाणिक बनता है। नंबर 5, भगवान से प्रार्थना करने में श्लोक स्मरण सहायक होता है। नंबर 6, श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में यह सहायक होता है। नंबर 7, कठिन समय मृत्यु सहित में यह हमें बचाता है। नंबर 8, अगले जन्म में भी यह सहायक होता है, गजेंद्र मोक्ष की कथा। नंबर 9, श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुशंसित है। नंबर 10, गे होने के कारण श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 10 बिंदु हैं, इनको एक बार पढ़ते हैं तो मन में कभी कभी कहीं ना कहीं प्रेरणा हमारे उत्पन्न होती है कि हाँ, श्लोक स्मरण हमें भी करना चाहिए। जब इतने सारे लाभ बताए गए हैं और इतने महत्वपूर्ण लाभ बताए गए हैं तो अवश्य ही हमें ये कार्य करना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। आज हम आते हैं अपने आज के विषय पर, श्लोक संख्या 3 अध्याय 4। चलिए तो श्लोक संख्या 3 अब आपके सामने स्क्रीन पर है, और इस श्लोक को यदि हमें एक पंक्ति में समझना हो तो हम देखिए, ऊपर ये पंक्ति लिखी हुई है। गुह्य ज्ञान भक्त और मत मित्र को प्रकट किया गया है। गुह्य ज्ञान भक्त और मित्र को प्रकट किया जाता है। तो ये भगवत गीता का ये जो ज्ञान है ये गुह्य है। गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल, रहस्यमयी। रहस्यमयी का क्या अर्थ है? अब एक अर्थ तो किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई, स्पष्ट रूप से भगवत गीता की इतनी पुस्तकें उपलब्ध हैं, स्पष्ट रूप से इतनी कक्षाएं, इतने प्रवचन जो है वो होते रहते हैं, तो ये गुह्य है, तो बिल्कुल खुले में है, तो इसको गुह्य क्यों कहा गया है? तो गुह्य इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हर किसी को समझ में नहीं आता है। इस ज्ञान को समझने के लिए एक प्रकार का सकारात्मक भाव जो है भगवान के प्रति,
वो हृदय में होना चाहिए। कम से कम कुछ स्तर की शरणागति तो भगवान के प्रति आपके मन में होनी चाहिए, तभी जाकर आप कहीं इस ज्ञान को, इस ज्ञान की जो वास्तविकता है उसको समझ सकते हैं। तो यही बात वास्तव में भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो गुह्य ज्ञान भक्त और मित्र को प्रकट किया जाता है। भक्त मतलब जो भगवान के शरणागत है, मित्र एक प्रकार से समझिए कि जो भगवान के प्रति सकारात्मक भाव रखता है, फेवरेबल इंटेंट अंग्रेजी में बोलते हैं, फेवरेबल इंटेंट। तो इसको हम श्लोक को थोड़ा पढ़ेंगे, एक दो बार मैं उच्चारण करता हूँ आपके सामने, फिर आप सभी लोगों से बारी बारी आग्रह करेंगे उच्चारण करें। स एवायम मयाते अद्य, स एवायम मयाते अद्य, स एवायम मयाते अद्य, योगः प्रोक्तः पुरातनाः, योगः प्रोक्तः पुरातनाः, योगः प्रोक्तः पुरातनाः, भक्तोऽसि मे सखा चेति, भक्तोऽसि मे सखा चेति, रहस्यं हि एतदुत्तमम्, रहस्यं हि एतदुत्तमम्, रहस्यं हि एतदुत्तमम्, स एवायं मयाते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनाः, भक्तोऽसि मे सखा चेति, रहस्यं हि एतदुत्तमम्, रहस्यं हि एतदुत्तमम्। अब आप भी बारी बारी से इसका उच्चारण कर सकते हैं, मैं आमंत्रित करूंगा बारी बारी से। तो सबसे पहले निधि माता जी आप करना चाहेंगी। जी, सा एवायं मयातेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति, रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। बहुत सुंदर, एक बार फिर कहिए। सा एवायं मयातेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति, रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब आप ये देखिए कि यहां पर ये जो मूल जो श्लोक आप देखेंगे पुस्तकों में लिखा हुआ, ही और एतत् की संधि कर दी गई है, और ये तत् बोलते हैं उसको, ये तत् हिया हा, ही और ए को मिलाकर ये तत् रहस्यम ही ए तत् उत्तमम। अब यहाँ अगर आप मात्राएं गिनना शुरू करें या वर्ण गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहाँ पर आप वर्ण गिनते हैं। तो यदि आप ही और ए तत् एक तरह से एक साथ मान लीजिए अगर आप इसको बोलते हैं तो वो 9 वर्ण हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि जो आपका जो उच्चारण है श्लोक का वो थोड़ा सा समय जो है वो तुक जो है वो अच्छे से नहीं मिलेगी। तो रहस्यम ये तद उत्तमम, ये तद यहाँ दोनों की संधि करके बोलेंगे तो अच्छे से मिलेगी। मैंने यहाँ दोनों को अलग अलग इसलिए किया है ताकि थोड़ा सा समझने में और पढ़ने में थोड़ा सरलता हो जाए, लेकिन अंततोगत्वा आपको इसको संधि करके ही पढ़ेंगे तो सही बैठेगा, अदरवाइज थोड़ा सा कठिनाई लगेगी। जी, जयमाला माता जी आप पढ़ना चाहेंगी। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति, रहस्यम् एतत् उत्तमम्। बहुत बढ़िया, रहस्यम ये तत् ह का थोड़ा सा पुट वहां पर डालेंगे, ये तत् उत्तमम। चलिए मनीष जी आप पढ़ना चाहेंगे। हाँ प्रभु। स एवं मया तेद्य योगम प्रोक्त पुरातन योग प्रोक्त पुरातनम भक्तोसी मे सखा चेति रहस्यम एतत् उत्तमम, रहस्यम एक उत्तमम, रहस्यम येतत् येतत् बोलिए, रहस्यम रहस्यम येतत् एतत् उत्तमम, रहस्यम एतत् एतत्, येतत्। रहस्यम ही तत् उत्तमम। हाँ, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ इसको आपको, ही और एतत् अलग अलग बोलिए पहले, रहस्यम येतत् उत्तमम, रहस्यम एतत् उत्तमम, रहस्यम येतत् उत्तमम, रहस्यम ए ही हाँ रहस्यम ही, ये पढ़िए ना ही, रहस्यम ही तत् उत्तमम। नहीं अब आपने ए छोड़ दिया, रहस्यम ही एतत्, रहस्यम ही एतत्। रहस्यम ए तत् चलिए कोई बात नहीं, फिर आपके साथ अलग से प्रयास करेंगे। चलिए
सुबोध जी आप पढ़िए जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। जी स पढ़िए। एतत् स एतत् मया स स एवायम। एतत् स एवायम सब स एवायम मया ते असि ते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तो असि मे सखा चेति रहस्य ही एतन उत्तम मेरे उत्तमम्। साथ पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। स एवायम मया तेद्य सेवायं मया तेद्य योगः योगः प्रोक्तः पुरातनः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं येतदुत्तमम्। रहस्य हि एतम् उत्तमम् रहस्यं येतत् उत्तमम्। रहस्यं हि एततम् एतम् वा उत्तमम् रहस्यं रहस्यं हि एतम् हि येतत् एतत् उत्तमम् उत्तमम्। उत्तमम् रहस्यं येतत् उत्तमम्। रहस्यं हि एतम् एतत् उत्तमम् हाँ, रहस्यं येतदुत्तमम्। रहस्यं हि एतम् उत्तमम् हाँ जी, एतम नहीं है, एतत्। एतत् 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 हाँ जी, चलिए अब कौन है रहे? रजनीश प्रभु आप पढ़िए जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोएवायं महातेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। बढ़िया, एक बार फिर पढ़िए जी। जी। सोएवायं महातेद्य मया योग तेद्य, प्रोक्त महा नहीं, मया मया सॉरी मया। हाँ सोएवायं मया तेद्य योग प्रोक्तं पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। जी, बहुत बढ़िया। स जी। एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। जी सुभद्रा माता जी आप पढ़ेंगी जी प्रभु जी। जी। स एवायं मातेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। एक बार पुनः पढ़िए जी। स एवायं मातेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। हाँ, रहस्यम ही एतद उत्तमम। अब ही एतद जो है वो अलग अलग ना करके ही और ए को जोड़ दें अगर, तो वो फिर एकदम बढ़िया हो जाएगा। रहस्यम ही एतद उत्तमम, इस तरह से। हाँ जी, चले कोई बात नहीं। ये ही एतद जो है वो थोड़ा सा हमने देखा कि भक्तों को थोड़ा कष्ट दे रहा है, लेकिन थोड़ा अभ्यास करेंगे तो उचित बैठ जाएगा जी। चलिए, सबने मेरा ख्याल सबने पढ़ लिया। चलिए अब हम इसकी शब्दों के अर्थ पर आते हैं। स, हाँ, तो स शब्द का अर्थ हम अभी, एक मिनट। स अर्थात वही, स वही, वही मतलब क्या? जो अब तक ज्ञान, जो अब तक जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 1 और 2 में अभी चर्चा करनी आरंभ करी है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। वही एव अयम, एव अयम, यह एवायम अर्थात यह, मया मेरे द्वारा, ते अद्य, ते अद्य, ते मतलब तुम्हें और अद्य मतलब आज, तो वही यह मेरे द्वारा तुमसे आज योगः, योग विद्या। तो ये जो भगवान अभी तक प्रवचन कर रहे हैं अर्जुन को, उसको वो योग विद्या बता रहे हैं। प्रोक्तः,
प्रोक्ता मतलब कह रहा हूं, बोल रहा हूं। पुरातना, पुरातना मतलब अत्यंत प्राचीन, अत्यंत प्राचीन मतलब ये बहुत पुराना ज्ञान है, बहुत बहुत समय से चला आ रहा है, तो अत्यंत प्राचीन। तो देखिए यहाँ पर शब्दों को अलग अलग कैसे यहाँ पर स्थापित करेंगे। यह वही अत्यंत प्राचीन योग विद्या मेरे द्वारा तुमसे आज कही गई, यह वही अत्यंत प्राचीन योग विद्या तुमसे आज मेरे द्वारा कही गई। तो भगवान यह क्या कह रहे हैं, पिछले श्लोक में उन्होंने क्या कहा था, पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि सकालीन महता योगो नष्टः परंतपः। तो काल के प्रभाव से ये जो योग विद्या थी हे परंतप, वो नष्ट हो चुकी थी, नष्ट हो गई थी। तो आज वही योग विद्या मेरे द्वारा तुमसे आज कही गई है, तो अब मैं पुनः वो योग विद्या जो है तुमसे कह रहा हूं और पुनः उसको स्थापित कर रहा हूं। तो ये इस तरह से भगवान ने पहली दो पंक्तियों में बोला है। अब यहाँ पर इस श्लोक का जो मुख्य जो उपदेश है, मुख्य जो संदेश है, वो भगवान बोल रहे हैं। भक्तों सी भक्त असी, भक्त मतलब आप भक्त हो, असी मतलब मे, असी मतलब हो, भक्त असी, मे मतलब मेरे, सखा सखा मतलब मित्र, च इति, च मतलब भी और इति मतलब हो, आप मेरे भक्त हो, आप मेरे मित्र भी हो। तो भगवान इसको कह रहे हैं अर्जुन को कि भाई मैं ये विद्या आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप मेरे भक्त हो और आप मेरे मित्र भी हो। रहस्यम ही एतद् उत्तमम्, रहस्य को निश्चित ही यह दिव्य। अब यहां देखिए, यहाँ बिल्कुल अंतिम पंक्ति से थोड़ा सा जो अर्थ है वो एकदम स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप अगर अंदाजा लगाएं तो समझ में आएगा कि भगवान यह क्या कहना चाह रहे हैं। चूंकि आप मेरे मित्र हो, आप मेरे भक्त हो, तो इस दिव्य रहस्य को निश्चित रूप से मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये उनका यहाँ पर अभिप्राय है। तो देखिए कुल मिलाकर यदि श्लोक को समझें तो भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है आज मैं तुमसे क्यों कह रहा हूं, तुमसे ही क्यों कह रहा हूं, अन्य किसी व्यक्ति से क्यों नहीं कह रहा हूं। तो उसका यहाँ कारण उसको बता रहे हैं कि तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे भक्त भी हो, इसलिए ये जो दिव्य ज्ञान है, जो रहस्यमयी है, ये मैं तुमको कह रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको भी आरंभ में बताया कि ये भगवत गीता का ज्ञान रहस्यमयी है। रहस्यमयी मतलब जो भगवान के शरणागत नहीं होता है, जो भगवान को सकारात्मक भाव से नहीं देखता है, प्रेम की दृष्टि से नहीं देखता है, उसे वास्तव में ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये सुलभ नहीं हो पाता है, ये उसकी समझ में नहीं आता है। तो ये हम एकदम व्यवहारिक रूप से भी अपने जीवन में देख सकते हैं। हम भगवत गीता के बारे में मान लीजिए 10 लोगों को समाज में, इसी तरह से आप रैंडम तरीके से आप 10 लोगों का चुनाव करें और आप उन्हें ये भगवत गीता का ज्ञान या भगवत गीता के बारे में बोलना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो इस ज्ञान को लेकर कहेंगे कि भाई ये तो हमारी समझ से बाहर है, ये तो पता नहीं कुछ मनगढ़ंत बात है। लेकिन कुछ लोग हैं जब आप उन्हें ये ज्ञान बोलेंगे तो वो तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं, तुरंत समझ जाते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण मुख्य रूप से यही है कि कई लोगों का जो हृदय है वास्तव में भगवत गीता का ज्ञान स्वीकार करने के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का हृदय जो है वो अभी सकारात्मक रूप से तैयार है। भगवान अपनी माया शक्ति से लोगों की बुद्धि को ढकते हैं, तो उसकी उनकी माया शक्ति से लोगों को ये जो ज्ञान है उसके बीच में आता है। लेकिन कुछ लोग चूंकि वो भगवान के शरणागत होते हैं, स्वभाव से शरणागत होते हैं, तो उस माया शक्ति को एक प्रकार से ऊपर उठकर उससे इस ज्ञान को वो समझ पाते हैं। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं इस श्लोक को। अब यहाँ पर सुभद्रा माता जी कृपया करके आप पढ़ सकती हैं ये जो हिंदी में लिखा है। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग का ज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हाँ जी, तो यहाँ हमने जो हिंदी है, हिंदी अनुवाद किया है, लेकिन उसके साथ साथ संस्कृत के शब्द भी यहाँ पर आगे लगाए हैं ताकि आपको पता लगे कि अनुवाद में
जो जो शब्द आए हैं उसमें संस्कृत श्लोक से कैसे उसका संबंध है। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग का ज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। तो एक बार फिर भगवान यहाँ पर परंपरा स्थापित कर रहे हैं अर्जुन को बोलकर, क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, भक्तोसि मे सखा चेति, अथा तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। ये विज्ञान जो है वास्तव में दिव्य है। दिव्य मतलब ये इस लोक का नहीं है, ये किसी दूसरे लोक का ज्ञान है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पारलौकिक बातों को, पारलौकिक ज्ञान को समझने में असमर्थ होते हैं। उनकी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाती है। वो वास्तव में सिर्फ वही समझ सकते हैं जो वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सुनकर इस बात का एहसास, अनुभव कर सकते हैं कि ये जो बात कही जा रही है वास्तव में ये इसका ये वास्तव में तथ्य है, ये वास्तव में समझने योग्य है, इसका वास्तव में कोई ना कोई अः बहुत अच्छी बात कही जा रही है जिसको समझा जाना चाहिए। तो इस तरह से वो समझ सकते हैं। अब चलिए, हम संदर्भ जो है, हमने वास्तव में कोई बहुत लंबा चौड़ा संदर्भ नहीं है। इसमें मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा है कि इस ज्ञान को भगवान ने अर्जुन को क्यों कहा। क्योंकि वह भगवान का भक्त है, वह भगवान का मित्र है। भगवान का भक्त मतलब भगवान के शरणागत हुए बिना इस ज्ञान को समझना संभव नहीं है। तो कुछ ना कुछ शरणागति होनी चाहिए, मन में कोई ना कोई एक श्रद्धा का, मन में कोई एक सकारात्मक भाव भगवान के ज्ञान के प्रति होना चाहिए, तभी आप इस ज्ञान को समझ सकते हैं। वरना आप यही पूछते रहेंगे कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा तो किसी ने देखा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ये तो कोरी कल्पना है, तो मनगढ़ंत बात है। तो इस तरह से कुछ लोग इस सब ज्ञान को समझते हैं। जी चलिए, तो निधि माता जी, कृपा करके आप पढ़ना चाहेंगी। जी मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं, इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते हैं, वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद् गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। यहाँ देखिए, प्रभुपाद जी ने छोटा सा तात्पर्य दिया है लेकिन बहुत कई बातें इसमें बताई हैं उन्होंने। मुख्य रूप से यदि आप देखें तो उन्होंने ये बात लिखी है यहाँ पर, इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। भक्तों की और असुरों की, और भक्तों में और असुरों में क्या अंतर होता है? देखिए, सरल भाषा में कहा जाए, देखिए, सुर और असुर। सुर मतलब जो भगवान के सुर में सुर मिलाए वो सुर, और जो असुर मतलब जो भगवान के सुर से सुर ना मिलाए, बल्कि विपरीत बात है। तो ये प्रभुपाद जी ये बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में थोड़ा भी सकारात्मक रखता है भगवान के प्रति, वो इस ज्ञान को सुनने के लिए पात्र है, इस ज्ञान से लाभान्वित होने के लिए वो वास्तव में सही या उचित पात्र है। तो असुर भगवान को कृष्ण, भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। असुर भगवान के बारे में कहेंगे कि वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, बहुत महान व्यक्ति थे, एक राजा थे, इस तरह की बातें तो कहेंगे, लेकिन उन्हें भगवान के रूप में नहीं मानेंगे। तो वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं, कृष्ण के उपदेश मार्ग सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। मैंने आपको पिछली कक्षा में उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति है जिनका नाम है देवदत्त पटनायक। तो देवदत्त पटनायक जी जो है वो यदि आप इंटरनेट पर जाकर उनके विषय में थोड़ा सा शोध करें, थोड़ा रिसर्च करें, तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने किस किस तरह से जो ये वैदिक साहित्य है उसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। और
उससे वास्तव में उन्होंने एक बहुत बड़ी दुष्प्रचार किया है, बहुत बड़ी मतलब एक तरह से ये उचित नहीं है कि इस ज्ञान को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाए। तो ये उदाहरण आपको इसलिए बताया जा रहा है कि ये समाज में आज भी इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार के अः इस आसुरिक स्वभाव के, आसुरिक मानसिकता के व्यक्ति जो हैं उपस्थित हैं, जिनकी बातों को सुनकर आपको इस ज्ञान का कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि आप भ्रमित होंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से आज की ये जो कक्षा में हमने आपको बताया उसमें तात्पर्य और इसका जो मुख्य संदर्भ था वो समझाया मैंने आपको। अब हम थोड़ा सा कविता का थोड़ा आस्वादन करेंगे संक्षेप में, दो हिंदी में और अंग्रेजी में। तो यही श्लोक जो है कविता के रूप में सर्वैश्वर्य कृष्ण प्रभु ने इस प्रकार से लिखी है। सो हे अर्जुन आज कहूं उन्हीं वही पुरातन ज्ञान सुखारी, तुम हो मेरे भक्त सखा प्रिय, तुमसे बढ़ना कौ अधिकारी, तुमसे बढ़ना कौ अधिकारी। तो भगवान के ज्ञान का अधिकारी कौन, जो उनका भक्त है, जो उनके शरणागत है, जो उनका सखा है, अर्थात जो उनका, जो उनके विषय में एक सकारात्मक भाव रखता है, तो वही व्यक्ति जो है वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। हम लोग भी जब प्रचार इत्यादि करते हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा उसको ज्ञान देते हैं, थोड़ा सा उसके साथ चर्चा करने का प्रयास करते हैं, फिर वो जब उसको वो ज्ञान जो है थोड़ा सा उसके वो सुनता है या सुनती है वो व्यक्ति, तो उसकी फिर वो प्रतिक्रिया आती। तो प्रतिक्रिया में आप समझ सकते हैं कि वास्तव में वो सकारात्मक भाव रखता है या नकारात्मक भाव रखता है। उससे फिर हम थोड़ा सा जो नकारात्मक भाव रखते हैं उनको परेशान नहीं करते हैं, उनको जिस स्थिति में है वो उनको रहने देते हैं, उनसे कोई बहुत ज्यादा वाद विवाद नहीं किया जाता है। लेकिन जो सकारात्मक हैं उनको फिर आप थोड़ा सा आगे ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो प्रचार के लिए भी आपके लिए एक ये अच्छा दृष्टिकोण है कि भाई कैसे चुनाव करें कि कौन व्यक्ति इसको सुन सकता है, कौन व्यक्ति इस ज्ञान को नहीं सुन सकता है। चलिए अंग्रेजी में देखते हैं। नाउ माई फ्रेंड एंड डिवोटी, यू टू शैल अंडरस्टैंड दिस एंशियंट मिस्टिक नॉलेज ऑफ द लिंक विद गॉड एंड मैन, ऑफ द लिंक विद गॉड एंड मैन। मतलब योगः, योग मतलब भगवान का मनुष्य के साथ क्या संबंध है, उसका लिंक क्या है, उसका लिंक मतलब योग क्या है। ये जो पुरातन ज्ञान है, एंशियंट मिस्टिक नॉलेज, एंशियंट मतलब पुरातन, मिस्टिक मतलब रहस्यमयी, नॉलेज मतलब योग विद्या ज्ञान। यू आर माई फ्रेंड एंड डिवोटी, भक्तो सी में सखा चेती, यू टू शैल अंडरस्टैंड, तो यू ओनली कैन अंडरस्टैंड। ये बात यहाँ पर अंग्रेजी कविता में भी बहुत सुंदर तरीके से कही गई है। फिर अंततः हम उसी बात पर आते हैं कि श्लोक स्मरण करने के लिए हमें वास्तव में चार पांच बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, वरना श्लोक स्मरण में कठिनाई व्यक्तियों को होगी। वो तो क्या है, सबसे पहले चूंकि संस्कृत के भाषा में ये श्लोक लिखे हैं तो हमें छंद पहचानना आवश्यक है कि 8 अक्षर का है, 11 अक्षर का है। ये जो श्लोक आज हमने पढ़ा ये 8 अक्षर वाला श्लोक है, इसमें प्रत्येक चरण में 8 8 अक्षर है। स एवायम मया ते अद्य, आप गिनती करेंगे तो 8 अक्षर आपको मिल जाएंगे। तो 8 अक्षर के श्लोक को अनुष्टुप कहते हैं, और अनुष्टुप छंद का हमने आज आपको लय गाकर बताई, उस लय में इनका गायन करें। शब्दों के अर्थों पर ध्यान दें, उन्हें अपने मस्तिष्क में बैठाएं, जैसे हमने आज अलग अलग शब्दों के अर्थों का आपको समझाने का प्रयास किया, उनको थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा 15 मिनट 10 मिनट पढ़ें, फिर दिमाग में उनको दोहराएं कि भाई इसका शब्द का क्या अर्थ है। उस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा शब्दों का अर्थ पता लगेगा। फिर एक एक करके पंक्तियां स्मरण करें, बार बार दोहराएं, एक एक पंक्ति को दोहराएं। तो एक श्लोक में 4 पंक्तियां होती हैं, तो चारों पंक्तियों को एक एक करके बार बार दोहराएं, तीन तीन चार चार बार दोहराएं, श्लोक के संदर्भ को समझें, उसको जानें, मन में बैठाएं, और फिर श्लोक स्मरण को अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाएं। नित्य प्रति यदि आप श्लोक स्मरण करेंगे तो वास्तव में श्लोक जो है स्मरण करना बड़ा सरल हो जाएगा, क्योंकि ये इनको गाया जा सकता है ना, तो ये मस्तिष्क में बड़ी जल्दी बैठ जाते हैं, जैसे फिल्मी गाने बैठ जाते हैं मस्तिष्क में, लोग बाग गुनगुनाना पसंद करते हैं, इसी प्रकार से श्लोकों को भी मस्तिष्क में बिठाना बड़ा सरल है यदि इन्हें बार बार गाया जाए, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मन को अच्छा लगता है यदि आप श्लोक स्मरण करते हैं। तो फिर यहीं आज की इस कक्षा में हम अंतिम पड़ाव पर हैं। देखिए आज हमने तीसरा श्लोक अध्याय 4 का उसको किया,
कुल मिलाकर हमारे अब 1, 37वां, 1, 2 और 3 चार श्लोक हो गए हैं। अगली कक्षा में छठा श्लोक और पढ़ेंगे, फिर 5 श्लोकों को स्मरण करने के बाद हम एक बार उनकी कार्यशाला करेंगे, जिसमें आप सब लोग स्मरण करके श्लोक हमें सुनाएंगे। तो इसी के साथ आज की कक्षा को यहाँ विश्राम देते हैं। अंततः श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कोई प्रश्न टिप्पणी इत्यादि है तो उसका स्वागत है, चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण जी। चलिए, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। अगली बार पुनः आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु, कृष्ण, हरे हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।